बिल्कुल, तो बड़ी खबर आ रही है विधानसभा से, जहां पर जोरदार हंगामा हुआ है और 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और इस दौरान बता दें कि कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गए और वेल में आकर जमकर नारेबाजी यहां पर की गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नरेश शर्मा यहाँ पर जुड़ गए हैं। नरेश, फिलहाल सदन की कार्यवाही को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि काफी हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है सदन पिछले 2 दिनों से, और आज भी पहले प्रश्नकाल है वो पूरी तरह हंगामे में भेंट चढ़ा है। 15 मिनट तक लगातार हंगामा हुआ था और 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित हुई थी, और 12 बजे जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से वही स्थिति थी। करीब 30 मिनट तक पूरे सदन में हंगामे की स्थिति रही। कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने वेल में आके नारेबाजी की, और वहीं सत्ता पक्ष के जो विधायक है उन्होंने भी पूरा जवाब दिया। और लेकिन हंगामे की स्थिति इस कदर थी कि कहीं किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार जो अध्यक्ष है उन्होंने करीब 12:30 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक। नरेश, ये तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस पार्टी आज तमाम मुद्दों को लेकर हो हंगामा करने वाली है, नई बात कोई हुई नहीं है। लेकिन इस बीच अब क्या वक्त बचा है, क्योंकि 2 बजे तक तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आखिरी दिन है आज, वक्त भी नहीं है ना सदन में हंगामा करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के पास वक्त है और ना ही बीजेपी के पास विधायी कार्यों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये तो पहले से लग नजर आ रहा था कि हंगामे की भेंट चढ़ेगा सदन, लेकिन अब जब 2 बजे कार्रवाई होगी तो माना जा रहा है कि उसके बाद जो भी विधायी कार्य है वो निपटाए जाएंगे। जो भी विधेयक रखे गए हैं उन विधेयकों को आज पारित कर दिया जाएगा, और ये भी तय है कि फिर से कार्रवाई होगी तो कांग्रेस फिर उसी तरह हंगामे की स्थिति पैदा करेगी। लेकिन जो हमें जो जानकारी मिली उनके अनुसार हंगामे के बीच जितने भी विधेयक है वो पास हो जाएंगे और उसके बाद जो कार्रवाई वो स्थगित होगी। यानी कि कल जिस तरह से नरेश कल जिस तरह से 9 विधेयक पारित कराए गए बिना चर्चा के, आज भी उसी तरह का यहाँ पर नजारा दिखने वाला है। बिल्कुल, नजारा कुछ ऐसे दिखने की आशंका है वो जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के तेवर है, जिस तरह से कांग्रेस ने सुबह से तेवर अपना रखे हैं, उसको देख के लगता नहीं कि बिल्कुल शांति से सदन चलेगा। क्योंकि देखिए जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था तब भी सबसे पहला जो सवाल था उन्होंने किशोर मेहरिया का, जानना ये भी जरूरी है कि आखिर कौन से मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हो हंगामा किया। अगर पहले की बात करें तो पहले ही उसने तय कर लिया था कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे, यूथ कांग्रेस पे जो लाठीचार्ज हुआ है उस मसले को उठाया जाएगा, किसानों के मुद्दे को उठाया जाएगा, राफेल के मुद्दे पे घेरने की कोशिश होगी। तो किस मुद्दे को लेकर हो हंगामा हुआ और जिससे नौबत ये आ गई कि सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको वही बात है वो विस्तृत रूप से बताना चाह रहा था कि देखिए सबसे पहले जो कांग्रेस ने जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था तो जब नंद किशोर मेहरिया का जो सवाल था उसी समय कांग्रेस ने हंगामा कर दिया, और उनकी जो मांग थी कि जो यूथ कांग्रेस उन पे जो प्रदर्शन के दौरान कल जो लाठी चार्ज हुआ था उसके बारे में उनका सवाल था। इसके बाद जब रामेश्वर डूडी ने सवाल उठाया तो उसके बाद कांग्रेस के जो और विधायक है, गोविंद सिंह डोटासरा सहित जो अन्य विधायक है, वो महंगाई के मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करने लगी, और उनका कहना था कि जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए और दाम कम होने चाहिए, और ऐसा कह के वो सभी जो है वेल में आ गए व नारेबाजी करने लगे। वहीं सरकार का ये कहना था, सरकार की तरफ से जो मंत्री थे राजेंद्र राठौर, गुलाबचंद कटारिया, किरण माहेश्वरी, इन्होंने कमान संभाल रखी थी, और उनका ये कहना था कि हम जो नियम के अनुसार जो है वो सदन में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये कहीं भी ये कह सकते हैं कि शांति स्थिति नहीं आई और हंगामा लगातार होता रहा। तो करीब 15 मिनट बाद जो है वो कार्रवाई स्थगित कर दी गई, और उसके बाद भी जब शून्यकाल फिर शुरू हुआ तो फिर जो जब स्थगन की बात आई थी कि कांग्रेस के जो कई विधायक उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिए थे, गोविंद सिंह डोटासरा ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। आप विधान परिसर में ही है, वहां पे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या फिर बीजेपी के हो, तो आसार क्या लग रहे हैं अब? और फिलहाल हमारे साथ
जी बिल्कुल, किस तरह के आसार हैं हम बात करते हैं। सरकार के मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक हैं, जिन्होंने आज किसानों के बारे में विस्तृत जो बात है वो सदन में रखी। हालांकि हंगामा चल रहा था, हंगामे के बीच जहां कांग्रेसी नारेबाजी कर रहे थे, उस बीच इन्होंने शेरो शायरी के माध्यम से और अपने आंकड़ों के माध्यम से बात रखी कि किस तरह सरकार ने किसानों के लिए काम किए। उनसे बात करते हैं। काफी हंगामा था, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस बात करने की मांग कर रही थी, लेकिन आपने भी काफी तार्किक जो है वो जवाब दिया। क्या लगता है सदन जिस तरह से चल रहा है और फिर हंगामा, बार बार हंगामा और अंतिम दिन है, फिर भी आपने किसानों की बात रखी? नहीं नहीं, देखिए ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी सरकार होती है वो अच्छी सरकार होती है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन वो सरकार और भी अच्छी होती है, वो सरकार और भी बेहतरीन होती है जो सरकार पहले की सरकार ने जो काम किया उनको बहुत अधिक ऊंचाई दे। मैं कर्ज माफी के लिए कहना चाहूंगा कि 50,000 रुपए तक की जो कर्ज माफी माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने की, ये पहली बार हुई है राजस्थान सरकार के द्वारा, पहली बार बजट से की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार पहली सरकार होगी जिसको क्रियान्वयन भी चुनाव से पहले हम कर देंगे। अभी तक हम 19,24,102 किसानों को कर्ज माफी का लाभ दे चुके हैं और उनको हम 5,461 करोड़ का जो उनका कर्ज माफ होना था उसको माफ कर चुके हैं, उनको इसका लाभ मिल चुका है। और मैंने अभी जो घोषणा की है विधानसभा में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से फर्स्ट इंडिया में आपको वापस कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 31 अक्टूबर तक हम जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलना है उनको हम दे देंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि कोई हमारी मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करे और उसको तुरंत कुछ ही माहों में हम उसको लागू कर दें तो निश्चित रूप से अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा, आदिवासी क्षेत्र की ओर भी पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है और अभी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की वो 8 आदिवासी जिलों के अंदर, जिसमें उदयपुर है, डूंगरपुर है, राजसमंद है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, पाली है, चित्तौड़ है, सिरोही है, इन सभी जिलों के लघु और सीमांत किसानों, इसमें विभेद नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने कि वो आदिवासी है या नहीं है, सभी में लघु और सीमांत किसानों को जिनका की 31 जुलाई 2018 को ओवरड्यू था और उन्होंने कृषि कार्य के लिए ऋण ले रखा था, अब सब माफ कर दिया गया। और इसका लाभ ये होगा कि आदिवासी क्षेत्र के 60,000 बीघा वहां के किसानों की जो भूमि हमारी सहकारी बैंकों के नाम रहन दर्ज हो चुकी थी वो वापस उनके नाम पर जाएगी। निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर कर्ज माफी पर कांग्रेस अगर कोई उंगली उठाती है तो मेरा उनसे कहना है कि आपको उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको जो जनादेश जनता ने दिया था उन 5 वर्षों में आपको कर्ज माफी करनी चाहिए थी। अब तो जिस दिन आप 50,000 हमने किए, जिस दिन आप 51,000 किसानों की 51,000 रुपए की आप किसानों की कर्ज माफ करोगे, उस दिन आप हम पे उंगली उठा सकते हो। आज आप नहीं उठा सकते। जिस दिन आप आदिवासी क्षेत्र में पुनः जो हमने घोषणा की उस घोषणा से ज्यादा घोषणा करोगे तब आप हमारे ऊपर उंगली। मंत्री जी, 2 दिन से हम देख रहे हैं प्रश्नकाल नहीं हो रहा, शून्यकाल नहीं हो रहा। आमेर से आने वाले विधायक ने भी सवाल उठाए हैं, महाराष्ट्र के कानून की बात की है। किस तरह आज आखिरी दिन है, अब 2 बजे बाद फिर होती है। देखिए मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि कोई भी काम है अगर हम नहीं करेंगे तो हमें बताना चाहिए कि हम इसमें नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो अच्छा किया उसको सुनो तो सही, हम भी सुनने को तैयार हैं। इसमें लड़ाई करके नहीं करना चाहिए। और मेरा इसमें साफ साफ मानना है कि मेरी तेरी करते हैं तभी तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि कोई हम आरोप प्रत्यारोप ना उठाएं। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि राजस्थान का किसान कभी ना हारे, हमारा राजस्थान कभी ना हारे। हमने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के